वी आर स्टार्टिंग विथ मिसेलनियस ऑफ एवरी चैप्टर. मिसेलनियस बहुत इम्पोर्टेंट है सीईटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए. तो डेली आप भी यही सम्स किया करो. मिसेलनियस और एक्सरसाइज के सम्स कम से कम दो बार हो के जाने चाहिए आपके हाथ के नीचे से बिफोर बोर्ड एग्जाम. तो दो बार पूरी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए आपकी. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम ऑफ मिसेलनियस एक्सरसाइज. मिसेलनियस एक्सरसाइज 1 मैथमेटिकल लॉजिक. तो साथ ही साथ हम लोग रिवाइज भी करते जाएंगे इसके जो इंपॉर्टेंट थियोरी पॉइंट्स है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट. इफ पी एंड क्यू इज फॉल्स, आप भी अपने साइड में एक शीट लेके रखो, एक पेन लेके रखो और उसको सॉल्व करते जाओ साइमल्टेनियसली. सो इफ पी एंड क्यू इज फॉल्स, पी और क्यू इज ट्रू, द डैश इज नॉट ट्रू. तो हमको चारों की वैल्यू निकालनी है, ए पी और क्यू, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. ऑप्शन बी पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, ऑप्शन सी निगेशन पी और निगेशन क्यू, एंड ऑप्शन डी क्यू और निगेशन पी. सबकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. नाउ सी, अब ये एंड फॉल्स है, इसका मतलब इसमें से कोई एक फॉल्स है, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकती है? ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरा, ये और कनेक्टिव ट्रू है, ये कब पॉसिबल है? या तो ये ट्रू हो, ये ट्रू हो, या ये ट्रू हो बट ये फॉल्स हो, या ये फॉल्स हो एंड ये ट्रू हो. अब आप देखो कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एंड ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. हाँ हाँ, इसके लिए सेपरेट करो मिसेलेनियस. सी अगेन आई विल टेल यू, इसका जो मिसेलेनियस है टेक्स्ट बुक का, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग योर सीईटी. सीईटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस मिसेलेनियस से बनते हैं. तो अगर आप एक सेपरेट बुक बनाते हो जिसमें आप हर एक सम सॉल्व करते हो, हर एक सम हम लोग अभी करने ही वाले हैं, तो हर एक सम आपका उस बुक में जाता है, तो सीईटी के लिए बहुत अच्छे से इक्विप्ड हो जाओगे आप. तो सीईटी के 50 क्वेश्चंस में से 30 से 35 में आराम से आप स्कोर कर सकते हो, करेक्ट स्कोर कर सकते हो. बाकी 15 के लिए आपको टारगेट के पेपर्स, मार्वल के क्वेश्चंस, विद्यालंकार के पेपर्स, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको करने होते हैं. वो बाकी के 15 वहां से निकलेंगे. हाँ, 11th स्टैंडर्ड का जो भी चैप्टर्स है वो हम लोग सीईटी से 2 महीना पहले देखते हैं, क्योंकि 11th के बस 10 ही क्वेश्चन आते हैं और वो 10 क्वेश्चन गिन चुन के ईजी चैप्टर्स में से आते हैं. सीक्वेंस सीरीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और फिर कोनिक्स हो गया. वो हम लोग आराम से 15 दिन में रिवाइज करके ये 10 क्वेश्चन को कैटर कर सकते हैं. बट मेजोरिटी 40 क्वेश्चन 12वीं के आते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट है. तो सेपरेट बुक बनाओ, इट्स वेरी गुड, वहीं से आप स्टार्ट करो. डेली हम लोग मिसेलेनियस के सम्स लेते जाएंगे, हर एक चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं. और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. फाइन, ठीक है. तो आप देखो ये वाला जो केस है, ये भी होना चाहिए एंड ये भी कंडीशन होनी चाहिए. अब कॉमन कहाँ पे है, कॉमन कौन सी कंडीशन इनके बीच में दिख रही है आपको? एफ टी, देखो एफ टी यहाँ पे भी है, एफ टी यहाँ पे भी है, फिर टी एफ यहाँ पे भी है, टी एफ यहाँ पे भी है. तो कहने का मतलब पी क्यू, पी की वैल्यू ट्रू रखी तो एफ की वैल्यू फोर, क्यू की वैल्यू फॉल्स रखनी पड़ेगी, और अगर इसकी वैल्यू एफ रखी तो इसकी वैल्यू ट्रू रखनी पड़ेगी, तब जाके इनका जो एंड है वो डेफिनेटली फॉल्स आने वाला है दोनों ही केस में, और इनका जो और है वो डेफिनेटली ट्रू आने वाला है. तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अभी ऑप्शन ए देखो, ये ट्रू है. ऑप्शन बी, डबल इम्प्लीकेशन लगाओ. सी यहाँ पे आप एक काम करो, ये देखो समझने की कोशिश करते हैं. हमने ये शॉर्टलिस्ट किया कि पी और क्यू के वैल्यूज क्या होने चाहिए. पहला केस ये, दूसरा केस ये, तो हमको बी ऑप्शन एनालाइज करना है. तो डबल इम्प्लीकेशन क्यू निकालो, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू. बताओ इनके आंसर्स क्या आएंगे, व्हाट इज डबल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एज वेल एज दिस. इन दोनों कॉम्बिनेशन का डबल इम्प्लीकेशन क्या होगा? याद आ रहा है? एक बार टेबल्स देख लेते हैं. पी क्यू, तो टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ,
एंड और मैं नहीं लिखता, बट पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी इम्प्लीकेशन क्यू यहाँ पे आता है टी एफ टी टी, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ आता है। तो जब पी क्यू ऑपोजिट होते हैं तो उसका वैल्यू फॉल्स आता है। वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये दोनों ऑपोजिट है तो ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा। सो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। फिर इस पे आते हैं, हमारे पास पी और क्यू है टी एफ एंड एफ टी। अब हम लोग सी ऑप्शन को एनालाइज करेंगे, निगेशन पी। अच्छा, निगेशन पी और निगेशन क्यू ये लॉजिकली किसको इक्वलेंट है? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, डी मॉर्गन लॉ। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पी एंड क्यू निकाल लेंगे, पी एंड क्यू निकालेंगे, दैट इज फॉल्स। फॉल्स हमने ये निकाल लिया, अब इसका निगेशन, सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो ये आएगा ट्रू, ये आएगा ट्रू। दिस इज ऑलवेज ट्रू, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, इसकी हमेशा ट्रूथ वैल्यू टी है। फिर ऑप्शन डी को एनालाइज करते हैं, पी क्यू, पी और क्यू, टी एफ एफ टी, ऐसा है। अब इसको देखते हैं, निगेशन पी पहले निकालते हैं, निगेशन पी आएगा एफ टी, निगेशन पी और क्यू, सो निगेशन पी और क्यू। तो निगेशन पी क्यू का और लगाओ, इफ यू डू द और कनेक्टिव, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। तो ये कभी फॉल्स है कभी ट्रू है। उन्होंने क्या पूछा है, नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन है जो नॉट ट्रू है आपके हिसाब से, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए नॉट ट्रू, विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू, ऑप्शन बी करेक्ट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कि वो फॉल्स है, फॉल्स मतलब इट इज नॉट ट्रू। सी इसमें क्या है, ये कभी फॉल्स भी आ सकता है कभी ट्रू भी आ सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, नॉट ट्रू वाला बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुआ ये सम? फर्स्ट एग्जाम्पल, सीटी के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन। सो इट इज गिवन दैट पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इट इज लॉजिकली इक्वल इन टू, ये किसको इक्वल है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है। अभी इसको पहले सॉल्व अगर हम लोग कर रहे हैं, इट इज निगेशन ऑफ पी, इम्प्लीकेशन का डेफिनेशन लगा देते हैं। इम्प्लीकेशन क्या होता है, पहले स्टेटमेंट का निगेशन और आर, ऐसे आता है। अभी ऑप्शन ए पे आते हैं, ऑप्शन ए इज पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन आर, सो दिस इज सेम एज निगेशन पी और Q implication R, which is same as negation P or ये आएगा negation Q or R, so this is negation P or negation Q or R। अभी इसको भी आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, it is negation P or negation Q or R, same आ रहा है देखो। तो ऑप्शन ए गिवन क्वेश्चन के बराबर आ रहा है। ऑप्शन बी को भी एनालाइज कर देते हैं, ऑप्शन बी, पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर, पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन आर, सो इसको भी सॉल्व करते हैं, दिस इज सेम एज निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और निगेशन आर। आपको याद हो अगर कि पी इम्प्लीकेशन क्यू, इट इज सेम एज निगेशन पी और क्यू, ऐसे लिखा जाता है इसको। तो इसको अगर आप सॉल्व करो अगेन आगे, सो दिस इज निगेशन पी और निगेशन क्यू और निगेशन आर, बट हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है और हमारा बी ऑप्शन ये आ रहा है, विच मीन्स इट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, निगेशन पी और निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन आर, दिस इज सेम एज निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट। अभी इस निगेशन को अंदर शिफ्ट कर दो, दिस इज पी एंड क्यू और निगेशन आर, तो
ये कहीं से भी इसको इक्वल नहीं दिखता, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गलत है। उसके बाद ऑप्शन डी, पी और क्यू इम्प्लीकेशन आर, पी और क्यू इम्प्लीकेशन आर, दिस इज निगेशन ऑफ पी और क्यू और आर। तो अगेन आप देखो, हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और हमारा आंसर यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये वाले साइन का फर्क है, तो इवन दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। हर सम के बाद मुझे बताया करो फीडबैक, क्लियर हुआ सम, कहीं पे डाउट हो किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में तो बताओ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न इज, तो एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है पी और क्यू, इम्प्लीकेशन पी एंड क्यू। अभी ये देखो ए इम्प्लीकेशन बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। बी ए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्स। फिर निगेशन ए, निगेशन बी, इस टाइप के स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोलते हैं, इनवर्स। एंड निगेशन बी, निगेशन ए, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब उन्होंने बोला है कि इसका इनवर्स लिखो, इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या होगा, हमको ऐसा कुछ लिखना होगा कि पहले स्टेटमेंट का निगेशन और फिर दूसरे स्टेटमेंट का भी निगेशन, ऐसा आ जाएगा। तो ये निगेशन को अंदर शिफ्ट कर दो, इट इज निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, एंड ये आएगा निगेशन पी और निगेशन क्यू। देखो कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप भी अपने सामने टेक्स्ट बुक लेके बैठो, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फोर्थ, पी एंड क्यू इज फॉल्स, पी इम्प्लीकेशन क्यू इज फॉल्स, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर, पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है। अब देखो एंड कनेक्टिव एफ आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रू था ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू ये फॉल्स हो सकता है, दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं। इम्प्लीकेशन फॉल्स कब आता है, जब ये ट्रू हो ये फॉल्स हो। इम्प्लीकेशन कब फॉल्स आता है, जब ये ट्रू ये फॉल्स, तो दोनों में एक कॉमन कॉम्बिनेशन ये है, तो पी की वैल्यू अगर आप ट्रू रखते हो, क्यू की वैल्यू अगर आप फॉल्स रखते हो, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, द निगेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ, अभी देखो पहले निगेशन पी ऐसा दिया हुआ है, अभी इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा इसका इसका निगेशन, इसका निगेशन, तो इस स्टेटमेंट का हमने इनवर्स लिख दिया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि निगेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ, पहले आप इसका इनवर्स निकालो जो कि हमने निकाला, और अभी इसका निगेशन निकालो, इसका निगेशन कैसे आएगा, निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन निगेशन क्यू, ये हमको निकालना है। सो दिस इज निगेशन ऑफ, अभी इम्प्लीकेशन की साइन को हटाएंगे, ये जो इम्प्लीकेशन का साइन है उसको हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, निगेशन पी और, तो पहले स्टेटमेंट का निगेशन और विद सेकेंड स्टेटमेंट, ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, निगेशन को अंदर शिफ्ट करो पी एंड क्यू, तो ये किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो गिवन इन ऑप्शन सी। और फिर ठीक है इतना ही है, ए और सी करेक्ट है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स्थ, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर इस, इसका निगेशन क्या है, तो पी एंड निगेशन क्यू और आर, इसका निगेशन लगाना है, सो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू और आर, विच इज इक्वल टू निगेशन पी और
निगेशन ऑफ निगेशन क्यू और आर, हमने इस निगेशन को अंदर शिफ्ट कर दिया, इस निगेशन को इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, एंड कनेक्टिव बन जाएगा और कनेक्टिव। सो नाउ दिस इज इक्वल टू निगेशन पी, और अब इस निगेशन को अंदर शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बिकम क्यू एंड निगेशन आर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, कोई भी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, निगेशन क्यू और आर। इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट दिख नहीं रहा, क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो डी है, कि डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, निगेशन पी और निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, बस यहाँ पे निगेशन वाला टर्म मिसिंग है, तो पता नहीं ऑप्शन डी में सही से लिखा हुआ नहीं है या प्रिंटिंग एरर है। चलो ठीक है, इसको देखना होगा। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए इज दिस, ए एक सेट दिया हुआ है हमको 1 2 3 4 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं वो बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है, देयर एग्जिस्ट एन एक्स ए विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कम से कम एक एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स एग्जिस्ट करता है ए के अंदर सच दैट उसको 3 ऐड करोगे तो 8 बनेगा। सही है नहीं है ये स्टेटमेंट, आप बताओ वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये लोग बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट, सभी एक्स, सभी ए की वैल्यूज के लिए बात नहीं हो रही, कि कोई एक वैल्यू है ए के अंदर, एक हो सकती है, दो हो सकती है, कोई एक है सच दैट 3 ऐड करोगे तो 8 बनेगा। सो इज दिस ट्रू और फॉल्स, दिस इज राइट, दिस इज ट्रू, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, हमको फॉल्स ढूंढ के निकालनी है। अभी ऑप्शन बी पे आते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एक्स दैट बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस 2 इज लेस देन 9। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है नहीं है, ये लोग फिर से देयर एग्जिस्ट बोल रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्स के वैल्यूज हैं, सभी एक्स के वैल्यूज हैं, सभी ए के वैल्यूज अगर आप पुट करोगे उसमें 2 ऐड करोगे तो लेस देन 9 आने वाला है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन सी पे आते हैं, ऑप्शन सी, अभी ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, मतलब ए की सभी वैल्यूज के लिए अगर आप 6 ऐड करोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आएगा। ये सही है या गलत है, ये फॉल्स है, बराबर, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है, फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब सभी वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज में अगर आप 6 ऐड करोगे, देखो 1 में 6 ऐड किया, 2 में 6 ऐड किया, वो बोल रहे हैं कि सभी ए के वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, उसमें 6 ऐड करो तो ग्रेटर देन 9 मिलेगा फॉर ऑल, बट ऐसा नहीं है ना, पहला ही वैल्यू 1 प्लस 6 ये तो 7 आ रहा है, ये ग्रेटर देन 9 नहीं आ रहा है, लेस देन 9 आ रहा है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद ऑप्शन डी पे आते हैं, हमको फॉल्स ही ढूंढ के निकालना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आ गया, बट डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। There exists an x that belongs to A such that x plus 6 is less than 10. कोई तो A के अंदर एक वैल्यू है x, उसको 6 ऐड करोगे तो लेस देन 10 आता है, करेक्ट है, ट्रू। सो उसके बाद आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which of the following sentences or statements in logic justify write down the truth value of the statements? 4 factorial 24. ये true है या false? आप बताओ। ये एक mathematical truth है. This is a true statement. अच्छा, पहले आपको लिखना है ये statement है कि नहीं logic में. तो आप पहला लिखोगे yes it is
स्टेटमेंट इन लॉजिक, जस्टिफाई, जस्टिफाई के लिए आप क्या लिखोगे, दिस इज, उसकी ट्रूथ वैल्यू आप बता सकते हो, ट्रूथ वैल्यू कंफर्म बताई जा सकती है, इसलिए वो एक स्टेटमेंट है लॉजिक में, तो जस्टिफाई का हो गया, और उसकी ट्रूथ वैल्यू लिख दो ट्रू। कौन कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, जिसके ट्रूथ वैल्यूज मिलते हैं टी या एफ, तो आप ये भी लिख सकते हो कि बिकॉज ये एक असर्टिव सेंटेंस है इसलिए ये लॉजिक में एक स्टेटमेंट है, ठीक है, असर्टिव। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, तो दिस इज असर्टिव, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। सेकेंड, पाई इज एन इरेशनल नंबर, इसके बारे में क्या बोल सकते हो, करेक्ट है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस है ये। थर्ड, इंडिया इज अ कंट्री एंड हिमालय इज अ रिवर, तो इंडिया इज अ कंट्री एंड, यहां पे एंड कनेक्टिव है, हिमालय इज अ रिवर। अब ये एक फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, यहां पे एंड कनेक्टिव है और इंडिया इज अ कंट्री, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, बट एनीवेज इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आप लगा सकते हो, बिकॉज ट्रूथ वैल्यू लगा सकते हो तो ये स्टेटमेंट है लॉजिक में, इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। फोर्थ, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर है यहाँ पे, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक ऑर्डर है, नहीं ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट है ये, रिक्वेस्ट टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, इंपरेटिव, सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। बस इतना ही आपको लिखना है, नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा for all theta belonging to R. This is a statement in logic. ये एक assertive sentence है जिसका truth value true है. X is a whole number if X is a whole number then X plus 6 is equal to 0. क्या बोल सकते हो इसके बारे में, तो यहां पे इफ देन कनेक्टिव है, पी स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज होल नंबर, और क्यू स्टेटमेंट क्या है, एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप एक्स को होल नंबर रखते हो, मान लो एक्स को आपने जीरो रख दिया, तो ट्रू बनाया आपने, इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाया, क्यू स्टेटमेंट जीरो को इसमें ऐड करो तो जीरो नहीं बनता, जीरो प्लस सिक्स नॉट इक्वल टू जीरो बनता है, तो क्यू स्टेटमेंट फॉल्स बन गई, और यहाँ पे इफ देन कनेक्टिव है तो मतलब यहाँ पे पी इम्प्लीकेशन क्यों निकालना है, पी इम्प्लीकेशन क्यों, यहाँ पे क्या आएगा, एफ आ जाएगा। उसके बाद मान लो एक्स को आपने होल नंबर बनाया, तो एक्स का कोई भी होल नंबर वैल्यू आप पुट करो, कभी भी जीरो नहीं बनने वाला, ये हमेशा ट्रू बनाते रहो, ये हमेशा फॉल्स बनते रहेगा, इसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा कितना आएगा, फॉल्स। सो ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, स्टेटमेंट तो लॉजिक में है, असर्टिव सेंटेंस है, इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। ओके, तो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर टू, आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री।
Write the truth values of the following statements. Root 5 is an irrational number, but 3 root 5 is complex number. Root 5 is irrational, ये true है, but मतलब and connective है. 3 root 5 is complex number, ये एक false statement है. तो इसकी truth value बताओ, क्या आ जाएगी? False. ये first हो गया. Second, for all n belonging to set of natural numbers, n square plus n is even, while n square minus n is odd. कोई भी नहीं, हर natural number के लिए. कोई भी natural number लेके देखो, मान लो two, one लिया, चलो one लिया हमने, तो one square plus one, ये टू इवन, तो ये सही है, ट्रू स्टेटमेंट है. आप टू भी लेके देखो, टू स्क्वायर प्लस टू, ये सिक्स इवन, ये ट्रू आ रहा है. वाइल एन स्क्वायर माइनस एन, तो मान लो एन का वैल्यू आपने वन लिया, तो वन स्क्वायर माइनस वन, एन का वैल्यू टू लिया, टू स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ पे आएगा वन स्क्वायर माइनस वन जीरो, टू स्क्वायर माइनस टू टू. बट ये लोग बोल रहे हैं एन स्क्वायर माइनस एन ऑड होना चाहिए, यहाँ पे तो इवन आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन स्क्वायर प्लस एन इज इवन, ये ट्रू है. व्हाइल कौन सा कनेक्टिव होता है? तो while connective, आपके पास टेक्स्टबुक हो तो पीछे पेजेस टर्न करो, वहां पे कनेक्टिव्स का एक लिस्ट दिया होगा. इसमें यहाँ पे पुराने टेक्स्ट बुक में एक लिस्ट दी हुई होती थी यहाँ पे, बट आई गेस नहीं दी हुई है. ठीक है, तो वाइल आई गेस ये एंड कनेक्टिव होता है, बट स्टिल मैं कन्फर्म करके आपको बता दूंगा, इसको कन्फर्म करके मैं बता दूंगा. सो वैसे इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी अगर आप एंड कनेक्टिव लेते हो तो. सो लेट मी चेक वाइल कनेक्टिव कौन सा होता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फॉर वाइल, पेज नंबर 31 टेबल, हाँ वाइल नहीं है उसमें, देखना होगा कि एग्जैक्टली वाइल क्या है. फॉर वाइल शायद ये फॉर, ये इम्प्लीकेशन या एंड कनेक्टिव उसमें से कोई एक है, चलो ये देख के मैं बता दूंगा कल के लेक्चर में. सो फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एन प्लस फाइव इज ग्रेटर देन टेन, वो बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, एक कोई तो नेचुरल नंबर अगर आपको मिल गया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये ट्रू हो जाएगा. तो सही है ये स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एन दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एन प्लस फाइव इज ग्रेटर देन टेन, ये सही है. एन की वैल्यूज कितनी आप रख सकते हो, एन का वैल्यू अगर आपने सिक्स रखा, सेवन रखा, एट रखा, तो ये हमेशा सेटिस्फाई होने वाली है. ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर है, इन्होंने बोला देयर एग्जिस्ट, एक कोई तुम्हें मिल गया तो काम बन गया अपना, सो दिस इज ट्रू. फोर्थ,
स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड, तो स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड, और क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड. तो स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑड, ये फॉल्स है, और कनेक्टिव है. क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, तो ये ट्रू है. तो फॉल्स और ट्रू, दैट इज ट्रू. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. फिफ्थ, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, इफ देन कनेक्टिव है. इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन ऑल एंगल्स आर इक्वल. ये ट्रू स्टेटमेंट है. ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू इसका क्या है? ट्रू है कि ये फैक्ट है. अगर आपने एक ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल रखे, इसको ट्रू बनाया, तो ये अपने आप ट्रू बनता है. सारे एंगल्स इक्वल बनते हैं ट्रायंगल में. और ट्रू इम्प्लीकेशन, ट्रू क्या होता है? ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू आता है. ओके, उसके बाद सिक्स्थ, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन प्लस सिक्स इज ग्रेटर दैन एट. ये सही है. फॉर ऑल, ये लोग बोल रहे हैं सब नेचुरल नंबर के लिए एन प्लस सिक्स ग्रेटर दैन एट होता है. ऐसा नहीं है ना. एन का वैल्यू अगर आप वन पुट करो तो सेवन, सेवन ग्रेटर दैन एट नहीं है, सेवन लेस दैन एट है. सो दिस इज फॉल्स. ये लोग फॉर ऑल बोल रहे थे, हमने एक ढूंढ के निकाला जो इसको रिजेक्ट कर देता है. So this is a false statement. Question number fourth. If A is set A mein 1, 2, 3 up till 9 elements, determine the truth value of each of the following. There exists an X that belongs to set of A such that X plus 8 is equal to 15. Batao, theek hai ye statement? ये ट्रू है. उसके बाद फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, सभी ए की वैल्यूज के लिए एक्स प्लस फाइव लेस दैन 12 होगा. ये ठीक है स्टेटमेंट. ट्रू है या फॉल्स? ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. देयर एग्जिस्ट, चलो इसको आप खत्म कर देना. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इजी है, ऐसे टाइप के हमने किए हैं. उसके बाद राइट द निगेशंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट द निगेशंस ऑफ फॉलोइंग. फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ ए एन प्लस सेवन इज ग्रेटर देन सिक्स, तो इसका निगेशन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एन एन दैट बिलोंग्स टू ए सच दैट एन प्लस सेवन इज लेस देन और इक्वल टू सिक्स. ये इसका निगेशन. फिफ्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का सेकेंड. There exists an x that belongs to set of A such that x plus 9 is less than or equal to 15. Iska negation aega for all x belonging to A, x plus 9 is greater than 15. Third, some triangles are equilateral triangle. Some triangles are equilateral triangles. तो इसका निगेशन क्या होगा? ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. सम का बनेगा ऑल. आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है तो आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, नॉट कनेक्टिव आना चाहिए. ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अगेन ये तो करने जैसी चीज नहीं है, फिर भी इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स का फोर्थ, तो पी एंड क्यू और आर,
फिर यहाँ पे है एंड कनेक्टिव, निगेशन आर और पी एंड क्यू. सो यहाँ पे इसको अगर लॉजिकली आप सॉल्व करो, लॉजिकली इसको अगर हम सॉल्व करें, चलो ठीक है, पी एंड सॉरी यहाँ पे पी क्यू आर तीनों स्टेटमेंट्स लिख देंगे. तो यहाँ पे लिखना होगा टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, यहाँ पे लिखना होगा टी टी एफ एफ टी टी एफ, यहाँ पे टी 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 एफ एफ एफ. तो पी एंड क्यू दोनों में लगने वाला है, पी एंड क्यू यहाँ पे आने वाला है टी टी एफ 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 एफ. उसके बाद ये वाला ब्रैकेट निकालते हैं, सो पी एंड क्यू और आर और आर. तो यहाँ पे आएगा ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. तो ये ब्रैकेट हमारा निकल गया. उसके बाद निगेशन आर, निगेशन आर को क्या करता हूँ यहीं पे साइड में लिख देता हूँ, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, निगेशन आर लिख दिया. अभी पी एंड क्यू तो है ही हमारे पास, पी एंड क्यू, निगेशन आर का और, तो इन दोनों का और करना है हमको. सो निगेशन आर और पी एंड क्यू, इन दोनों का और, तो इन दोनों का और, इन दोनों का और, ये ऐसे करके लिखते जाएंगे. तो यहाँ पे आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, और फिर इन दोनों का एंड कनेक्टिव, इसका एंड इसका एंड. तो यहाँ पे आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ये आंसर है. तो ये काफ़ी रिपीटेटिव सम्स है, इसमें कोई गेम नहीं है एज सच यहाँ पे. अभी लेके काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं. डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स आर टॉटोलॉजीज कॉन्ट्राडिक्शंस और कंटिंजेंसीज. तो सिंप्लीफाई करके देखा करेंगे इसको, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, दिस इज सेम एज निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू. फिर यहाँ पे है इम्प्लीकेशन निगेशन पी. अगर ये इम्प्लीकेशन को हटाना है तो निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी, इस निगेशन को अंदर शिफ्ट कर देंगे. सो विल हैव पी एंड निगेशन क्यू और क्यू और निगेशन पी. सो दिस इज पी एंड क्यू, पी एंड निगेशन क्यू, एक ब्रैकेट है और क्यू है और निगेशन पी है. सो दिस इज इक्वल टू पी एंड निगेशन क्यू और क्यू और निगेशन पी, दिस इज पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी और क्यू, ऐसा आ रहा है. ठीक है, यहां से हम लोग कल सॉल्व करेंगे. टाइम इज अप.